हेलो गाइस और हेलो 17 फैंस। हम तो भाई अभी हम बैठ के मतलब ये रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं है मेरा, तो थोड़ा ऑफ हो सकते हैं, बट जेन्युइनली हम रिकॉर्ड करने आए हैं। तो तुम लोग थंबनेल देख के या टाइटल देख के आए होगे कि 17 का सुपर, जो वन ऑफ द मेरा फेवरेट, वन ऑफ ना मेरा फेवरेट 17 का सॉन्ग सुपर का जो रिएक्शन था मेरे को पसंद आया। ठीक है, अब मेरे को ठीक ना, जो मेरा रोल मॉडल एक समझ लो एनिमे का, ठीक है, गोकू, ठीक है। अब मेरा एक फेवरेट चीज और ये फेवरेट सॉन्ग का इतना ज्यादा कॉम्बिने, मतलब इतना ज्यादा ये था कि दोनों कैसे एक्सप्लेन कर, लेट्स गो, तुम लोग का एक्सप्लेन करते, ठीक है। एग्जांपल ले लो, तुम लोग सुपर सुने ही हो, ठीक है ना, रिएक्शन करेंगे, बट लेट्स गो, पहले सुपर, ठीक है। और मेरा फेवरेट चीज था ये सुपर में, लेट्स गो। वही हम रिसर्च करते करते ना मेरा खुद माइंड ब्लोन हो गया, हम क्या देख लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोज, जो सुपर का मेन पोज है, ठीक है ना, जो ये पोज है, जो देखो कौन खड़ा है, भाई मेरा फेवरेट मेंबर खड़ा है यहाँ पर। तो ये जो पोज है, ये किसका पोज है, ठीक है, ये पोज है। अगर हम गूगल पे जाए और सर्च करें गोको इंस्टेंट ट्रांसमिशन और इमेज सर्च करें, दिस मैन ओन दिस पोज, वेर कहीं भी देख लो, 1990s कब से ये पोज, मतलब इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करते आ रहा है गोकू, ठीक है ना। अब ड्रैगन बॉल का सबसे, ठीक ना, ड्रैगन बॉल का सबसे नया टाइटल क्या है, ड्रैगन बॉल, सुपर, जो लेटेस्ट सीरीज है, ठीक ना, ड्रैगन बॉल का, उसका नाम है सुपर और ये लोग का सॉन्ग का नाम है सुपर, ठीक है। अब देखो किड गोकू, ये फोटो देख रहे हो, ठीक है, फोटो का रेफरेंस ध्यान से देख लो, ये फोटो तुमको बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है ना, ये फोटो देख रहे हो। अब लेट्स गो 17 का चेक करते हैं। और ड्रैगन बॉल पूरा सीरीज है मेरा, वन ऑफ द फेवरेट, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, इसलिए हम मतलब रिसर्च करते करते इतना खुश हो रहे थे। तो इट्स की दैट यू गॉट अ स्ट्रॉन्ग विल, पूरा ये पूरा सीरीज इस विल के बारे में, ठीक है। फ्यूचर नॉट गोइंग एनी वेयर अंटिल आई लेट गो, ओके। ये हॉप इन द क्लाउड एंड गेट ऑल अराउंड, और ये चीज कौन करता था, इट्स मी गोकू। मतलब ये हम छोटा सा एग्जांपल दिए, ये पूरा सॉन्ग ही पूरा गोकू का रेफरेंस से भरा हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ल्ड। तो तुम लोग अगर नहीं पता है तो ड्रैगन बॉल में क्या हुआ, जब अर्थ, जैसे एग्जांपल ले लो, बहुत पुराना सीरीज है ना, तो जब अर्थ ब्लास्ट होने वाला था, तो अर्थ गोकू, गोकू अर्थ को सेव किया, तो सेवियर अर्थ, गोकू अर्थ में गोकू को सबको सेवियर बोलता है, बट गोकू का डिसीजन था लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वर्ल्ड, मतलब उसको बड़ा, मतलब उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, ठीक ना। तो वो नेक्स्ट वर्ल्ड का लेटेस्ट जो सुपर है उसमें वो अलग अलग वर्ल्ड का जो स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो उसमें उसको चैलेंज, मतलब एक टूर्नामेंट हुआ था कि वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट से फाइट कर रहा था अपना विल को दिखाने, मतलब अपना विल प्रूव करने के लिए। तो रेफरेंस समझ रहे हो, भाई। देखो ये स्टैंड बिंग फ्री ऑल टाइम एंड स्पेस, ये एक ड्रैगन बॉल का कैरेक्टर है हिट, जो टाइम और स्पेस को, टाइम और स्पेस को मतलब इफेक्ट करता है, कि वो उसके पास पावर है टाइम और स्पेस को इफेक्ट करने का,
और गोकू एक स्टांस लेता वो समय, तुम लोग को अगर ड्रैगन बॉल यहाँ पर जितने जन मोस्टली जानते होंगे पर फुल्ली देखे नहीं होंगे, मेरे जैसा नर्ड जैसा बैठ के हर एक डिटेल जो याद रखे इसलिए बोल रहे, क्योंकि भाई इतना पैशनेट हम अभी कोई सॉन्ग के बारे में फील नहीं किया जितना अभी तुम लोग एक्सप्लेन इसको करते हुए कर रहे हैं। रिएक्शन करेंगे टेंशन नहीं लो, पर आराम से करते। तो ये स्टैंड्स लेता है गोकू हिट को हराने से पहले, जो टाइम और स्पेस का कंट्रोल करता है, तो स्टांस ऑफ बीइंग फ्री ऑल दैट टाइम एंड स्पेस। ये मतलब यही है गोकू का जो मोटो है, आई डोंट नो हाउ टू गिव अप। मतलब जितना भी एनिमे का एमसी है सब में तो यही है ना कि आई डोंट गिव अप, तो आई डोंट गिव अप। सोनो नो गोनो, ये जो है ये काइंड ऑफ तुम सन गोकू को भी तरह ले सकते हो, सन गोकू बस बोलना। देखो तुम अगर ध्यान से सुनोगे, आई फील लाइक टर्निंग इन टू सन गोकू, ध्यान से सुनो तुम लोग खुद। हम आई फील लाइक सन सन गोकू, मतलब ये दूसरा रेफरेंस तो है ही, और आई फील लाइक मतलब हम लोग बचपन से एक चीज है, तुम लोग का कोई छोटा भाई है या कोई है और कोई, मतलब तुम भी अगर देखते हो तो एकदम सुपर सेंट बनने का कभी तो ट्राई किया है, एम्बेरसिंगली हम भी किए हैं। तो आई फील लाइक टर्निंग इन टू सुपर सेन जो सन गोकू है, तो उसका भी रेफरेंस हो सकता है कि है ना। जो सन गोकू ठीक है ना, फिर लाइक ये एडल्ट फॉर्म है गोकू के, ये चिल चाइल्ड्रन फॉर्म ही है, एडल्ट फॉर्म है। तो सुपर सैन जो है वो भाई भाई हमको मतलब वन ऑफ द मेरा फेवरेट सॉन्ग और मेरा वर्ल्ड फेवरेट, मतलब एनिमे कैरेक्टर का पर्सनालिटी नहीं बोल सकते बट फेवरेट कैरेक्टर को रेफरेंस करते हुए। देख रहे इसका रैप भी स्विच अप टू जेनरेशन टिल नाउ, गोकू क्या जेनरेशन, मतलब सोच लो हम जब मतलब पैदा भी नहीं हुए थे तब से गोकू एग्जिस्ट, मतलब उसका एनिमे चलते आ रहा है, और अभी हम मतलब सोच लो अपने काइंड ऑफ अभी बड़े हो गए, तब पर भी एक होता है ना कि गोकू का भी सीरीज चले जा रहा है और अभी भी एंजॉय किए जा रहे हैं। जो ये लाइन का रेफरेंस बोल सकते हैं कि मतलब ये तुम समझ लो ये फुल्ली ड्रैगन बॉल का रेफरेंस है, मतलब कोई डाउट नहीं है। ये लेट्स मूव फॉर सेक ऑफ इट्स ऑल, मतलब गोकू का मतलब परसोना ही है कि वो पावर अप जब होता है, जब हमेशा हारता है, जब मेन विलन से जब उसको सब सब कोई मिल के जब चेयर करता है वो सबके लिए पावर अप करता है, तो इसलिए इतना फेमस भी है। देखो ये सब ना, हाँ ही रोट कलर्स लाइक दिस, ये लिरिक्स ना मतलब बहुत जन के मतलब सेंस नहीं बनाएगा, और सेंस बनाएगा भी तो एक अलग वे में। हीरो कलर्स, हीरोज ट्रू कलर लाइक दिस, हीरो ट्रू कलर मींस यहाँ पर दिखाते हैं गोकू को कोई एक कलर नहीं है। तो जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे गोकू जब पावर अप करता है पहले ब्लॉन्ड हो जाता है ठीक है ना, फिर अरे मेरा ये क्यों काम नहीं कर रहा ढंग से, हाँ
ये से गोकू जब पावर अप करता है, गोकू का कलर चेंज होता है। ओ माय गॉड, जितना भी देखो गोकू का मतलब हर एक बार हेयर कलर चेंज होते हुए देखोगे, जो जो की पॉप में भी कॉमन है। Like this, she got और देखो ना, इंस्टेंट ट्रांसमिशन का जो ये किया अरे 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 अरे, यहाँ पेस्ट नहीं करना था। लेट्स गो, तुम लोगों को हम वीडियो ही दिखा देते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन कैसे करता है। देखो देखे रहो, मतलब ये गोकू का सिग्नेचर चीज है, बहुत बहुत टाइम से होते आ रहा है। तो ये देखना बॉडी भी मूव करता है जैसे ये ट्रांसमिशन किया। हाँ मजा गया। आई थिंक यहाँ पर ये सोन सो नो नो गो नो, उसको सर्च करते हैं इसका मीनिंग क्या है। ओ ओ सोन सोन गोनो इस रेफरेंस टू सन गोकू, मतलब जो जैसे एग्जांपल लो हमारे इंडिया में जैसे हनुमान है ठीक ना, वहां पर कोरिया साउथ कोरिया जापान में सन गोकू बोल सकते हैं। सन गोकू, सन गो गोन, तो मंकी किंग इनडायरेक्टली बोला जाए तो मंकी किंग जो रेफरेंस है, जो मतलब मंकी किंग का बहुत सारा नाम है ठीक है ना, उसमें से एक ये भी है और सन गोकू भी है, जो क्रिएट किया गया था, जो गोकू जो जो कैरेक्टर है वो इनसे ही रेफरेंस करके क्रिएट किया गया है। तो ये लोग डायरेक्ट रेफरेंस मिथिकल चीज से ले रहा है, ना कि कैरेक्टर को रेफरेंस कर रहा है। ओ माई गॉड, और तुम लोग को नहीं पता अभी हम एक गेम खेलने वाले हैं जो फुल ये जो कैरेक्टर का नाम ले रहे हैं ठीक है ना, उस पे है। देखो तुमको दिखाते हैं। ब्लैक मिथ वुकोंग, ये देखो ये वो लोग जो कैरेक्टर का बात कर रहा है उसका हम गेम स्टार्ट करने वाले हैं। ये गेम है तो समझ जाओ। मजा आएगा मजा आएगा। क्या बोले, वो जिन लोग को नहीं पता था ये वीडियो वो लोग को डेडिकेटेड, लेट्स रिएक्ट टू मेन थिंग, लेट्स रिएक्ट टू लाइव परफॉर्मेंस 17। आई थिंक हमको इसको थोड़ा ये करना पड़ेगा, आई थिंक ब्लर करना पड़ेगा कि ब्लॉक ना कर दे, तो लेट दो। I
always quit 강한 마음이 중요하지 미래는 도망가지 않아 내가 놓기 전까지 다른 달이 따뜻한 차고 여기저기로 다른 달이 나 우리들의 눈치를 높이려 다른 달이 나 또 다른 세계 나가자고 이 리듬에 맞춰 Say 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 영웅 본색 like this 시간과 공간이 구애받지 않는 자세 자세 हम तो ट्राई करे कोरिया में कुछ उसका रेफरेंस मिल जाए भाई ये क्या पहन मतलब नाक में कुछ पहना है क्या मतलब ये ओ भाई और हाँ तुम लोग बोले ये 70% कोरिया में ये नहीं था हम अभी तो नोटिस कर ही रहे कि वो नहीं है बट हम सॉन्ग के लिए ज़्यादा ही हाइप है बहुत सारा मेंबर है पर वो जब आता है तो भाई स्टेज ऑन करता है मोस्ट ट्रिपल से पता ही चलता ही है भाई एक मेरा फेवरेट पार्ट आने वाला था रुक जाओ बट ये इसका फेस एकदम विलन वाला फेस और नहीं पता क्यों ये अगर विलन का रोल प्ले करेगा ना कोई भी के ड्रामा या कुछ में हम कंप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने उसमें एक काइंड ऑफ मेनेसिंग हो रहा है उसके आसपास एकदम जो फेस से जो जो मतलब एक्सप्रेशन है देखो ना एकदम लग रहा है कि हाँ लेट्स गो ओ भाई मजा आ गया हम अभी तक कोई कोई गाना को इतना पैशनेटली एक्सप्लेन नहीं किए ओ भाई मजा आ गया मेरे को गर्मी लग गया वो लोगों को देख के ये लोग नीचे बाल करके रख कैसा लगता लेता है मेरे को एकदम पसीना आने लगा देख एकदम कोई ट्राई करता हूँ
हमेशा सिंपल सा ऊपर करके रखने का, हम कुछ सोचे नया ट्राई करते, खुद का चैनल है अब क्या ही कर सकते, तो कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए, तभी तो एक्सप्लोर करेंगे खुद को। तो बाल नीचे कर लिए खुद का, और बहुत जन को वेट लगेगा, बहुत जन को अभी तक कोई देखा नहीं है, हम जब रिकॉर्ड करते तभी नीचे करते, पर नेचुरल करने का ट्राई कर रहे हैं, हमको पसंद आ रहा है जो फील है इस नीचे वाला बाल का, ज़्यादा ऊपर बार बार नहीं करना पड़ता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, और लाइक कर देना, और यस हम हमेशा जो मेरे को गाना पसंद आता है हम उस पर रिसर्च करते ही है, पर इस पर रिसर्च कर रहे थे हमको जो मिला हम तुम लोग को रोक नहीं पाए बताने के लिए, तो ये वीडियो अनयूजुअल टाइम पे शूट कर रहे हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर देख रहे हो ये कब अपलोड होगा, ये शायद कल अपलोड कर देंगे, तो अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा सी यू, सायोनारा गाइस।